हाँ तो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल और इंट्रो देखकर तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन एनिमेशन के बारे में, जो कि दोस्तों मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर किया। दोस्तों इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, और दोस्तों आप भी अगर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इस नोटिफिकेशन एनिमेशन को कर लेते हो इंस्टॉल, तो दोस्तों आपका फ़ोन इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा कि दोस्तों आपके यार दोस्त देखकर बिल्कुल ही चौंक जाएंगे और आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे कि भाई ये सब तुमने कैसे किया। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर करोगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और दोस्तों आपको सर्च बार में लिखना है CommeTIN। दोस्तों एप्लीकेशन तो इंस्टॉल कर लोगे, बट दोस्तों इसके अंदर जो भी सेटिंग करनी है दोस्तों वो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप सेटिंग नहीं समझोगे तो ये नोटिफिकेशन एनिमेशन अपने फ़ोन के अंदर नहीं लगा पाओगे, जिससे कि दोस्तों आपका अगर कोई नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, तो दोस्तों आपका फ़ोन खूबसूरत दिखेगा। क्योंकि दोस्तों इसकी सेटिंग करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अगर आप सही से नहीं समझ पाओगे तो अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और इसके अंदर जो भी सेटिंग करनी है वो सारा हम लोग समझ लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे ही अगर आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो कि दोस्तों मॉडल एक्टिव का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे क्रॉस के आइकन पे दोस्तों टैप करना है और इसे कट कर देना है। फिर से आपको मॉडल इंस्टॉल्ड का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे कट कर देना है। फिर से आपको ब्राउज फॉर न्यू मॉडल्स का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको कट कर देना है। और गाइस, जैसे ही आप कट कर दोगे तो आपको यहाँ पे होम, ब्राउज, मॉडल्स, स्टार्टअप और मोर का फीचर्स मिलता है। आपको दोस्तों ब्राउज पे टैप करना है, और दोस्तों जैसे ही ब्राउज पे टैप करोगे आपको यहाँ पे नीचे इस तरह से स्लाइड करना है, और आपको यहाँ पे एम्बिट डिस्प्ले का फीचर्स मिलता है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे इंस्टॉल, यानी कि दोस्तों इस डिस्प्ले का, यानी कि इस एप्लीकेशन का ही एक फीचर्स है जो कि एनिमेशन है। हम लोग सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल पे टैप करेंगे। जैसे ही दोस्तों इंस्टॉल पे टैप करेंगे, कुछ ही सेकंड के अंदर दोस्तों ये इंस्टॉल होता है, जो कि ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ओपन मॉडल मैनेजर पे टैप करता हूँ, और जैसे ही टैप करूँगा यहाँ पे इनेबल पे टैप कर देता हूँ। और गाइस, जैसे ही मैं इसे इनेबल पे टैप किया, यहाँ पे ऊपर एक नोटिफिकेशन में पॉपअप शो रहा है, यहाँ पे आपको टैप करना है, यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे तो आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन एक्सेस की परमिशन है वो आपको दे देनी है, अलाउ कर देना है। यहाँ से आपको गाइस बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे आपको एम्बिशन डिस्प्ले के ऊपर एक बार ये जो सेटिंग दिख रहा है यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। गाइस, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कीप इनेबल्ड पे टैप रखना है, और जैसे ही आप यहाँ पे टैप करो तो हो सकता है ये ऑफ होगा, डिसेबल होगा, तो आपको हमेशा यहाँ पे इसे मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से इनेबल ही रहने देना है। अगर एक बार टच कर दिए तो ये डिसेबल हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे इसे इनेबल कर देना है। अब गाइस, इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, आपको एक और परमिशन देनी होगी, जो कि आपको यहाँ पे टैप करना है अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, आपको यहाँ पे इसकी परमिशन दे देनी है, बैक आ जानी है। आपको यहाँ पे फिक्स पे टैप करना है, और इसके बाद ग्रांट परमिशन पे टैप करना है, और एक और से फिर से आपको परमिशन दे देनी है अलाउ मॉडिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे सेटिंग की। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसे इनेबल पे, कीप इनेबल पे टैप रखना है। और गाइस, जैसे ही कीप इनेबल पे टैप रख देते हो तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन दिख रहा है। गाइस, यहाँ पे ये वाली जो नोटिफिकेशन है आपको इसे ऑन कर देना है। अब चाहो तो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट एप्स टू, यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा दिए गए हैं फीचर्स, जो कि दोस्तों आपको इसके अंदर एक्सक्लूड किए गए हैं। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है दोस्तों आप चाहो तो सेट कर सकते हो, मतलब डिसाइड कर सकते हो किस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आए तो मेरे को इतना आकर्षक एनिमेशन शो करे, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से, अदरवाइज आप छोड़ दोगे तो जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनिमेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है कि ओपन डिजाइनर पर टैप करना है यहाँ पे, और जैसे ही गाइस यहाँ पे टैप कर देते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ढेरों सारे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैं इस पर टैप किया तो दोस्तों ये कुछ अलग प्रकार का यहाँ पे एनिमेशन कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों टैप करोगे तो अलग प्रकार का, यहाँ पे अलग अलग टाइप का आपको बहुत सारे ढेर सारे इफेक्ट एनिमेशन मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे दोस्तों आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, हल्का सा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इस तरह से टैप करके आपको चूज कर लेना है। और इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग वगैरह मिल जाती है, जो कि आपको नहीं करना है। आई अंडर स्टूड पर क्लिक करना है, आपको बैक आ जाना है, फिर से आपको ओपन डिजाइनर पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी एनिमेशन है वो आपको देखने को मिल जा रहा है,
जो भी एनिमेशन चाहिए दोस्तों आपको ये सेल्फी वाला अच्छा लग रहा है, अगर व्हाट्सअप का कोई मैसेज आता है तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है, इसे आप सेट कर सकते हो। फिर चाहे आपकी पसंद कोई भी अभी यहाँ पे सेट कर सकते हो। और इतना करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, सेट कर देने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से अपने फ़ोन को लॉक करके रख देना है। अब दोस्तों जब भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे दोस्तों कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको क्या करना है कि एक बार ये जो लॉक बटन है दोस्तों, पावर बटन ऑन ऑफ वाला, एक बार इस तरह से प्रेस करना है। अभी गाइज दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसी कोई नोटिफिकेशन आती है आपके पास दोस्तों, जो बहुत खूबसूरत वाले एनिमेशन है वो आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो इस वीडियो के अंदर जो मैंने जानकारी दिया है वो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से इसी तरह की एक और न्यू और कमाल की वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।